वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे S3 बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन इन टेराफॉर्म। S3 बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन हम टेराफॉर्म में क्यों करते हैं, मीन्स रिमोट स्टेट फाइल को हम मेंटेन करने के लिए S3 बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टेराफॉर्म में। टेराफॉर्म में दो तरीके की स्टेट फाइल मेंटेन होती है, एक होती है लोकल स्टेट फाइल और दूसरी होती है हमारी रिमोट स्टेट फाइल। लोकल स्टेट फाइल कब यूज होती है, जब हम इंडिविजुअली किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हों, कोई और हमारा टीम प्लेयर या पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व ना हो, तो हम लोकल स्टेट फाइल के थ्रू वर्क कर सकते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है जो टेराफॉर्म पे वर्क कर रही होती है, जहाँ पे सेम टेराफॉर्म फाइल पे मल्टीपल टीम वर्क कर रहे होते हैं। सो उस केस में हम लोकल स्टेट फाइल के थ्रू एक्शन को और टेराफॉर्म स्टेट फाइल को मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एक रिमोट फाइल की नीड होती है, जो एक सेंट्रल फाइल हो जिसके थ्रू हम एक्शन को मेंटेन कर सकें, स्टेट को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म में S3 बैकएंड यूज करेंगे, जहाँ पे हम रिमोट स्टेट फाइल को मेंटेन करेंगे। मीन्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे एक सेंट्रल फाइल मेंटेन होगी, जिसमें कोई भी अगर टीम मेंबर कोई भी रिसोर्स लॉन्च करता है, डिस्ट्रॉय करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करता है, तो उसकी स्टेट वहां पे अपडेट रहेगी। तो एक ही फाइल रिमोट स्टेट फाइल मेंटेन होगी S3 बैकएंड के अंदर, जिसके थ्रू पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग से रिलेटेड सारी स्टेट जो है वो मेंटेन होगी। टेराफॉर्म S3 बैकएंड सेटअप के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है कि हम एक पहले S3 बकेट क्रिएट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर उस बैकएंड को इनिशियलाइज करने के लिए टेराफॉर्म स्क्रिप्ट से कोड लिखेंगे और S3 बैकएंड को इनिशियलाइज करेंगे टेराफॉर्म से। तीसरा स्टेप होगा कि हम एक डेमो करके भी देखेंगे, टेराफॉर्म कोड लिखेंगे जिससे एक रिसोर्स लॉन्च करेंगे और वैलिडेट करके देखेंगे कि जो है हमारी रिमोट स्टेट फाइल अब S3 बकेट के अंदर मेंटेन हो रही है, वर्जनिंग वगैरह मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने AWS कंसोल पर। यहाँ पे पहले हम करेंगे कि कोई S3 बकेट क्रिएट है या नहीं। तो यहाँ पे अभी बकेट जीरो है, कोई भी बकेट नहीं है, तो सबसे पहले हम एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंसोल से मैनुअल ना क्रिएट करके हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं एक S3 बकेट को। ओपन करते हैं main.tf को। यहाँ पे हमने S3 बकेट लॉन्च करने का जो है कोड राइट कर रखा है पहले से, आप देख सकते हैं रिसोर्स AWS S3 बकेट। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं, बकेट का नाम दिया टेराफॉर्म रिमोट स्टेट PKG। तो जब भी आप AWS S3 बकेट क्रिएट करेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप बकेट का नाम देने जा रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ये हमें कब पता चलेगा, जब हम टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम हमें ये नहीं पता चलेगा, बट जब हम अप्लाई एग्जीक्यूट करें तब जाके हमको पता चलेगा कि इस नेम का बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है AWS पे या नहीं। तो ये रन टाइम पे ही पता चलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस कोड में हम देख सकते हैं कि हमने पैरामीटर एक तो बकेट यूज किया है जिसमें हम बकेट का नाम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है वर्जनिंग का, जिसमें हमने वर्जनिंग इनेबल्ड कर दिया है ट्रू। तो हमारी जो भी रिमोट स्टेट फाइल मेंटेन होगी हर एग्जीक्यूशन पे उनका एक वर्जन मेंटेन होता रहेगा, जिस तरीके हम गेट में वर्जन को मेंटेन करते हैं, सिमिलरली S3 बकेट के अंदर हम अपने रिमोट स्टेट फाइल के वर्जन को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हमने एक और फीचर इसमें इंक्रिप्शन का भी ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप इस वाले स्टेप्स को यहाँ से हटा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक S3 बकेट क्रिएट होगा इस रिसोर्स के थ्रू और उसमें वर्जनिंग इनेबल। तो एग्जीक्यूट करते हैं इस स्क्रिप्ट को, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, तो 1-2 ऐड आ रहा है, मींस टेराफॉर्म विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, क्रिएट करने जा रहा है और रिसोर्स क्या क्रिएट करने जा रहा है, AWS S3 बकेट। टेराफॉर्म अप्लाई एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू में एस प्रेस कर दिया, इन सब ने कंसेंट दे दिया, अप्रूव कर दिया, लॉन्च कर दे। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, दैट मीन्स कि वो नाम जो है फ्री था हमारा,
जो बकेट का नाम हमने दिया था, और उस नाम की बकेट क्रिएट हो गई। अब देखते हैं अपने AWS कंसोल पे, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नाम हमने दिया था टेराफॉर्म रिमोट स्टेट PKZ, उस नाम का यहाँ पे बकेट क्रिएट हो चुका है। इस बकेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म के थ्रू इनिशियलाइजेशन करेंगे S3 बकेट का। तो अपने कोड पे चलते हैं, और इनिशियलाइजेशन जो होता है वो प्रोवाइडर ब्लॉक के जस्ट बाद ही होता है, वो हम गूगल कर लेते हैं टेराफॉर्म S3 बकेट बैकएंड सेटअप। ओके, तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं इस ब्लॉक को और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो टेराफॉर्म ब्लॉक है जिसके अंदर बैकएंड के कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड S3, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। बकेट में हम जो बकेट अभी हमने क्रिएट किया सेम नेम यहाँ पे पास कर देंगे, ये मेरे बकेट का नेम यहाँ पे पास कर दी। की में हम पाथ देते हैं, तो की में लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरा जो बकेट है उसके अंदर एक फोल्डर बनाए एंड देन उसके अंदर स्टेट फाइल मेंटेन हो। हमने कहा इसके अंदर आप टेराफॉर्म फोल्डर बनाओ पहले, और इसके अंदर फिर हमारे टेराफॉर्म स्टेट फाइल मेंटेन, स्टेट फाइल के नाम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। रीजन में हम यहाँ पे रीजन इसका चेंज कर देंगे, हमारा रीजन है AP South 1, ओके, मुंबई रीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनिशियलाइजेशन करेंगे इसका, सेव कर देंगे इस फाइल को। तो जब भी हम S3 बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें टेराफॉर्म इनिट एग्जीक्यूट करना होता है। हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टेराफॉर्म इनिट, क्योंकि जब हमने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था कि जब हमने टेराफॉर्म इनिट एग्जीक्यूट किया था तो हमें दिखा था कि इनिट के केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि AWS प्रोवाइडर जो भी हमने दिया होगा, जैसे कुछ हमारे केस में AWS है तो AWS की प्लगइन्स डाउनलोड हुई थी, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे अब बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन होने जाएगा, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, यस कर देंगे और ये बैकएंड इनिशियलाइज हो गया। अब अगर हम बात करें अपने फाइल में, तो पहला वाला रिसोर्स जो हमारा है S3 बकेट का, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टेट फाइल इसकी मेंटेन है, तो ये रिसोर्स हमारा नहीं क्रिएट होगा। तो हम वैलिडेशन कैसे करेंगे, एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं इसके अंदर, EC2 इंस्टेंस ही लॉन्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं कोड उसका, AWS EC2 इंस्टेंस। ये वाला कोड ले लेते हैं, टेराफॉर्म वेब ऐप AMI दे देते हैं, AMI हमें वहां से AWS कंसोल से लाना होगा। एक और डुप्लीकेट इसका कर लेते हैं, EC2 में जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस फ्री, यहाँ से AMI पिक कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने इसको, t2.micro कर लेते हैं, टेराफॉर्म C2 टेस्ट, ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, अगर मैं अब देखूं यहाँ पे S3 के अंदर, तो S3 के अंदर हमारा बकेट था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, लाइक S3 में गया
और यहाँ से ओपन करके देखा तो अभी भी हमने इनिशियलाइजेशन की थी, तो हमने वहाँ पे टेराफॉर्म डायरेक्टरी क्रिएट किया था, तो यहाँ पे जो है टेराफॉर्म डायरेक्टरी इसके अंदर आ गई है। फर्दर इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारी स्टेट फाइल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक स्टेट फाइल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि हमने अभी इनिशियलाइजेशन की थी। अब हम रिसोर्स लॉन्च करके देखते हैं, टेराफॉर्म प्लान, वन टू एड, एक इसी टू इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है इसमें, ऊपर देख सकते हैं, क्रिएट रिसोर्स AWS इंस्टेंस। S3 बकेट का आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम एग्जीक्यूट करके टेराफॉर्म अप्लाई, अप्रूव कर दिया मैंने। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे S3 टेराफॉर्म स्टेट फाइल टेराफॉर्म वर्जन। सो वर्जन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दो वर्जन दिख रहे हैं, एक ये पहला वर्जन और ये न्यू वर्जन जो अभी करंट वर्जन है हमारा, वो करंट स्टेट में, ठीक है। तो वर्जन यहाँ पे मेंटेन होने लगा है। नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे कोई चेंज करके तो यहाँ पे दो प्रीवियस वर्जन आ जाएंगी और एक करंट वर्जन आ जाएगा। जैसे मैं करके देख भी लेता हूँ, स्क्रिप्ट में मैं बस केवल एक टैग ऐड कर देता हूँ। न्यू टैग फोकस सेव किया टेराफॉर्म अप्लाई। इस में देख लेते हैं एक बार, ये वाला इंस्टेंस है, इसका टैग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू टैग आ गया पंकज। S3 में जाएंगे, अगर इसको रीलोड करते हैं तो अब यहाँ पे दो ओल्ड वर्जन हो गए हमारे और एक करंट, ठीक है। तो वर्जनिंग यहाँ पे मेंटेन हो रही है। हम चाहें तो इन कोड्स को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ये URL है, इसका कॉपी करेंगे और ओपन कर लेंगे ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन करने के लिए आपको इसे पब्लिक करना होगा, परमिशन एडिट पब्लिक में हम कर देते हैं इसको रीड सेव। ओके, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं स्टेट फाइल का हमारा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं रिमोट स्टेट फाइल। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फेसबुक पेज पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।